आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों के तेवर एक दूसरे के लिए सख्त होते जा रहे हैं। बंगाल सरकार में मंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता सुब्रत मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक संगीन आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भगवा पार्टी अगर बंगाल चुनाव में जीतने में असफल रहती है तो वह मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी को जान से मरवा सकते हैं। ममता सरकार पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, अगर बीजेपी बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं जीतती है तो अपने लोगों को भेजकर ममता बनर्जी की हत्या की साजिश रच सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जमकर हिंसा हो रही है। बीजेपी लगातार टीएमसी पर अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा रही है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय की चलती हुई कार के शीशे तोड़ दिए गए थे। इस घटना में वह बाल बाल बचे थे। पार्टी ने टीएमसी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश की पुलिस को नोटिस तक जारी कर दिया था। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाली शहर में भाजपा के गृह संपर्क अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता पर धारदार हथियार तथा रॉड व डंडे से हमला किया गया। इस दौरान एक भाजपा नेता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं 6 कार्यकर्ताओं की हालत गंभीर है। मृतक भाजपा नेता का नाम सैकत भोपाल है तथा वह पार्टी के बूथ अध्यक्ष बताए गए हैं। बैरकपुर के भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस के बदमाशों की ओर से किया गया है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि यह भाजपा की आपसी रंजिश का नतीजा है। इस घटना से तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। बैरकपुर पुलिस के संयुक्त आयुक्त अजय ठाकुर ने कहा कि मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल बंगाल में हिंसा का दौर जारी है और आए दिन कोई न कोई हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात।